प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। सो बच्चों, आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड फोर्थ का सब्जेक्ट ईवीएस चैप्टर 12 चेंजिंग टाइम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड प्लीज ओपन योर बुक्स पेज नंबर 96। चैप्टर 12 चेंजिंग टाइम्स। तो चेंजिंग टाइम्स मीन्स चेंज होना, बदलाव आना, टाइम्स समय में बदलाव आना। जैसे कि हम इस चैप्टर में आपको दिख रहा है, इसमें क्या बना रखी है, एक शेप बना रखी है हाउस की। तो इसमें हम हाउसेस के बारे में पढ़ेंगे, एक टाइप ऑफ हाउसेस पढ़ेंगे कि ओल्ड टाइम्स में हाउसेस कैसे होते थे और आजकल के टूडे में हाउसेस कैसे होते हैं। माय नेम इज़ चेतन दास। मेरा नाम क्या है? चेतन दास है। मैनी ईयर्स अगो, बहुत साल पहले, आई यूज़ टू टीच चिल्ड्रन लाइक यू, मैं तुम्हारी तरह ही बच्चों को टीच करता था, पढ़ाता था। दीज डे, उन दिनों, आई स्पेंड माय टाइम, मैं अपना टाइम स्पेंड करता था, खर्च करता था, व्यतीत करता था बाय राइटिंग, लिख कर अबाउट द डेज, उन दिनों के बारे में, व्हेन आई वाज यंग, यानी कि जब मैं जवान था, मैं अपना टाइम लिख कर स्पेंड करता था। आई वुड लव टू शेयर सम ऑफ दीज विद यू। तो मैं अपनी जो चीज़ें लिखता था, जैसे लोगों को डायरी लिखने की आदत होती है कि पहले मैंने बचपन में ये किया, तो उनको मैं क्या करता था, शेयर करना चाहता था तुम्हारे साथ। ए बिग मूव, आगे क्या है, एक बड़ा मूव, यानी कि एक बड़ी मूवमेंट आई हमारे फैमिली में, हमारे हाउस में, हमारे लाइफ में चेंज आया। आई रिमेम्बर द टाइम, मुझे अभी भी वो समय याद है, व्हेन आई वाज 9 ईयर्स ओल्ड, जब मैं कितने साल का था, 9 साल का। तो वो अपनी पहले की टाइप, जब वो 9 साल का था, अपने बता रहा है कि उस टाइम्स में क्या होता था। इट मस्ट हैव बीन ओवर 60 ईयर्स एगो, यानी कि अब कितने साल हो गए हैं, 60 ईयर्स एगो, यानी कि 60 साल पहले की बात कर रहा है। और जब वो कितने साल का था, 9 ईयर्स का था। तो अब वो क्या हो चुका है, जैसे हमारे दादा होते हैं ना 60 साल के, वैसे आपके दादा की उम्र के हैं। डैड वाज व्हेन वी लिव्ड इन डेरा गाजिया खान, तब हम, जब मैं 9 साल का था। चेतन दास क्या कह रहा है कि हम कहाँ रहते थे, डेरा गाजी खान में, जो कहाँ पे है, अब आजकल पाकिस्तान में है। टूडे दिस प्लेस इज़ इन पाकिस्तान, जो कि अब क्या है, पाकिस्तान। तो बच्चों आप देखो इंडिया का मैप ध्यान से देखना, ये पहले हमारा इंडिया था, जो हमारे नेबरिंग कंट्री थे ये भी इंडिया में ही, जब हमारा देश क्या नहीं हुआ था, फ्रीडम नहीं हुई थी, तो ये भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब इंडिया के बीच में ही आते थे। पर जब 15 अगस्त, अभी आके चुका है ना, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश फ्रीडम, हमारे देश ने आज़ादी प्राप्त की थी ब्रिटिश रूल के, तब हमारा जो इंडिया था 2 पार्ट्स में क्या हो गया था, डिवाइड हो गया था। तो कुछ लोग पाकिस्तान चले गए थे और कुछ लोग इंडिया ही रह गए थे। एट दैट टाइम देयर वर ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑल अराउंड अस, हमारे चारों ओर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट वाज हैपनिंग, मैं समझ नहीं पा रहा था जब मैं अपना 9 साल का था कि ये क्या हो रहा है, व्हाट वाज हैपनिंग, क्या हो रहा है, क्या घटना घट रही है। वन डे बाबा, तो मेरे बाबा यानी कि माई फादर ने हमें बताया, डैट वी हैड टू लीव आर विलेज, तो हमें उस टाइम अपना गांव छोड़ना पड़ा एंड मूव टू अनदर प्लेस, और दूसरे स्थान चलना पड़ा, जाना पड़ा। आई वॉज सैड, मैं सैड था, उदास था कि टू लीव माई हाउस, कि मुझे अपना घर छोड़ना पड़ेगा एंड माई विलेज, और मेरा अपना गांव छोड़ना पड़ेगा। डैट वॉज वेयर आई हैड ऑल माई फ्रेंड्स, क्योंकि जब हम इतनी देर, काफ़ी टाइम तक उस जगह पर रहते हैं तो हमारे काफ़ी फ्रेंड्स हो जाते हैं जो हमसे बिछड़ जाते हैं जब हम दूसरे प्लेस में जाते हैं। ऑल ऑफ अस, हम में से सभी, बाबा, अम्मा, माई यंगर, मेरे मम्मी पापा, मेरे यंगर ब्रदर्स छोटे एंड सिस्टर, एंड आई टुक ए ट्रेन टू कम हियर, तो हमने वहाँ से ट्रेन ली, जैसे कि लास्ट पेज में आपको दिखा भी रखा है। देखो, जब हमारा इंडिया फ्रीडम ली थी तो कुछ 2 पार्ट्स हो गए थे इंडिया के, भारत और पाकिस्तान। तो कुछ लोग इंडिया ही रह गए थे और कुछ लोग पाकिस्तान चले गए थे। तो नियर दिल्ली, तो हम, अम्मा, बाबा, माई यंगर ब्रदर, सिस्टर, हम सभी दिल्ली के नज़दीक चले गए। लाइक अस मैनी पीपल फ्रॉम आर एरिया ऑल्सो मूव, हमारी तरह ही बहुत सारे लोग दूसरे एरिया में मूव कर गए। पीपल वर सेइंग, लोग कह रहे थे, डैट आर कंट्री,
हमारा इंडिया, हमारा देश इंडिया वॉज बीइंग डिवाइड इनटू टू पार्ट्स. तो टू पार्ट्स में इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड हो गया. मैनी पीपल फ्रॉम इंडिया, इंडिया से बहुत सारे लोग वेंट टू पाकिस्तान जस्ट लाइक वी मूव टू इंडिया. और कुछ कहाँ चले गए, पाकिस्तान, और जस्ट लाइक कुछ इंडिया ही चले गए. फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए वी ऑल स्टे इन ए कैंप, जैसे कि आपको बुक में दिखा रखा है. ये देखो कैंप इस तरह के होते हैं, जो टेम्परेरी हाउस होते हैं. क्या होते हैं? टेम्परेरी हाउसेस, जो थोड़े टाइम के लिए, जैसे टेंट वगैरह हम कर लेते हैं तो हमें एकदम दूसरे शहर में जाकर जैसे हाउस नहीं मिला तो हम कहाँ पे रहे, कैंप में. वी लिव्ड इन बिग टेंट्स, तो वहाँ क्या थे, बड़े बड़े टेंट थे डैट वर पुट अप इन ए ह्यूज ग्राउंड. बहुत बड़े ह्यूज होता है, बहुत बड़े ग्राउंड में टेंट कैंप लगे हुए थे जहाँ पे लोग पाकिस्तान आए थे. ए न्यू होम, अब क्या है, एक नया हाउस. वन डे बाबा टोल्ड अस, बाबा ने हमें बताया डैट वी हैड वी गिवन सम लैंड इन सोहना विलेज, कि हमें सोहना विलेज में कुछ लैंड मिल गई है. ही सेड डैट ही कुड बिल्ड अ हाउस देयर, तो उन्होंने कहा कि हम वहाँ अपना बिल्ड बनाएंगे, घर बनाएंगे. आई वॉज़ वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश था. बाबा एंड अम्मा वर्क हार्ड, बहुत मेहनत करते थे टू मेक द हाउस, हाउस बनाने के लिए. वी चिल्ड्रन ऑल्सो हेल्प, हम सभी बच्चे भी उनकी हेल्प करते थे. तो बाबा क्या करते थे, डग द सॉइल. तो पहले लोग ओल्ड टाइम्स में देखो हाउसेज, कच्चा हाउस होता है और एक पक्का हाउस होता है. देखो आपको इस बुक में भी दिखा रखा है, ये देखो हाउसेज, ये सेपरेट हाउसेज, कई बार मल्टी स्टोरी हाउसेज होते हैं जिसमें फ्लैट्स बने होते हैं ऊपर की ऊपर, कईयों के सिंगल स्टोरी होते हैं, है? और क्या होता था, और पहले टाइम्स में ये देखो आप ध्यान से देखो, मड हाउसेस होते थे, कच्चे हाउस मिट्टी के होते थे जो गर्मी में क्या रहते थे, ठंडे रहते थे. और क्या था, फिर उन्होंने कौन सा घर बनाया, डग द सॉइल, उन्होंने मिट्टी को खोदा, यानी कि वो कच्चा हाउस बना रहे थे. एंड वी क्विकली फिल द पैंस, और उनको पैंस में इकट्ठा करे, पास देम ऑन टू द अम्मा, और अम्मा के पास लेकर जा रहे थे. गुड़िया एंड अम्मा मिक्स हस्क इन इट, अब ये देखो इसमें क्या यूज़ कर रहे हैं, भूसा यूज़ कर रहे हैं. बाबा पुट अप द बॉल्स, और जो मदर है और जो मेरी सिस्टर है वो भूसा यानी कि मटेरियल तैयार कर रहे हैं, जैसे कि आजकल सीमेंट और बजरी का तैयार होता है. ये किसका कर रहे हैं, मड और भूसे के, यानी कि कच्चा मटेरियल. बाबा पुट अप द बॉल्स, और वो क्या कर रहे हैं, दीवार को ऊंची उठा रहे हैं. पहले, आजकल तो सीमेंट से भरते हैं, मजबूत वॉल्स बनती हैं, पहले मिट्टी से ही इन दीवारों को बनाया जाता था. और ये क्या होती थी, अनबेक्ड ब्रिक्स होती थी, यानी कि इनको गर्म करके नहीं, भट्टी में नहीं बनाया जाता था. वी ब्रॉट काउ डग, तो हम क्या लेके आए, गाय का गोबर फ्रॉम नियर बाय हाउसेज, हमारे घर के आसपास. अम्मा मिक्सड इट विद द मड, अम्मा ने किसमें मिक्स किया, मड के साथ, मिट्टी के साथ, कीचड़ के साथ. शी कॉटेड द फ्लोर विद दिस मिक्सचर, और उन्होंने इस मिक्सचर को कहाँ पे किया, पहले ओल्ड टाइम्स में लोग क्या करते थे, गोबर के गोबर, जो गाय का गोबर होता था उससे फर्श को लीपते थे, यानी कि वही उनका फर्श होता था. और वो फर्श से क्या होता था, कोई कीड़े मकोड़े, मॉस्किटोज, हाउस फ्लाई, ये नहीं आते थे, मक्खी मच्छर गाय के गोबर से. जस्ट लाइक शी यूज टू डू इन और ओल्ड हाउस, तो उन्होंने ये किस तरह यूज़ किया, जैसे कि पुराने घरों में यूज़ किया जाता था. आई यूज़ टू से डैट दिस वुड कीप द इंसेक्ट्स अवे, तो अम्मा ने मुझे बताया कि ये गोबर जो हम फ्लोर पे वो करते हैं ना, कॉटेड करते हैं इसको फर्श पे, तो इससे क्या होता है, जो भी इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया मॉस्किटो, हाउस फ्लाई या और भी कीड़े मकोड़े, वो दूर रहते हैं इससे. Then it was the turn for the roof to be made. अब क्या थी, walls बन चुकी थी, अब किसकी बारी थी, ऊपर की छत की बारी. तो अब तो लेंटर डलता है, जैसे कि आयरन और सीमेंट का पक्का लेंटर डलता है, तो पहले क्या होती थी, छतें भी कच्ची होती थी. बाबा मेड ए फ्रेम बाय ज्वाइनिंग स्ट्रिप्स ऑफ वुड, तो उन्होंने लकड़ की स्ट्रिप्स को क्या किया, ज्वाइन किया, लकड़ों को बांधा. जैसे आपने देखा होगा रामायण महाभारत में भी कच्चे कच्चे घर, जैसे वृक्षों की लकड़ियां काट काट के उन्होंने स्ट्रिप्स को ज्वाइन करके बनाया था. एंड फिक्स्ड इनटू ऑन द फोर वॉल्स, और चारों दीवारों पे, चारों दिशाओं में, चारों दीवारों पे इनको फिक्स कर दिया, वुड की स्ट्रिप्स को ज्वाइन कर करके बांध कर रोप से. वी पुट ब्रांचेस ऑफ नीम, और उन्होंने ब्रांचेस किसकी ली, देखो नीम और कीकर ट्रीज की, और इनको क्या लगता है, कोई भी कीड़ा वगैरह नहीं लगी लगता, तो इनकी ब्रांचेस ली ऑन द फ्रेम, उसको फ्रेम करने के लिए.
सो डैट टर्मिटीज वुड नॉट हार्म द वुड. और जो क्या होते हैं, जो लकड़ को दीमक काट जाता है वो नहीं काटता. किसकी लकड़ को? नीम और कीकर की. अम्मा पुट ऑल्ड गनी बैग्स ऑन दिस एंड एंड कवर्ड देम विद द मड. अम्मा ने पुराने जो गनी बैग होते हैं ना, जैसे सीमेंट रहते के वो आजकल भी होते हैं, उन बैग्स को इकट्ठा किया एंड कवर्ड विद, और उनको कवर कर दिया विद मड, और मिट्टी से उनको पहले उनके ऊपर मडी ये बैग कर दिए, फिर उनको मड से ढक दिया. मोस्ट ऑफ द हाउस अराउंड आर हाउस वर मेड लाइक आर्स. अब ज़्यादातर घर हाउसेज में, सबसे ज़्यादा घर जो हमारा हाउस उसके चारों और भी जो घर थे वो भी इसी तरह के बने हुए थे मड के. इफ़ यू वर डिफरेंट, परंतु कुछ डिफरेंट भी थे, कुछ पक्के भी थे. वट आई लाइक माई हाउस द बेस्ट, परंतु मैं क्या कर क्या कह रहा है वो चेतन दास कि मैं अपने घर को बहुत पसंद करता हूँ. इट वॉज जस्ट लाइक आर ओल्ड हाउस, और ये बिल्कुल मेरे पुराने घर की तरह था. फाइंड आउट एंड राइट, आपने फाइंड आउट करना है और लिखना है कुछ क्वेश्चनों के आंसर. टॉक टू एनी वन ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स, आपने अपने दादा दादी, ग्रैंड पेरेंट्स वही होते हैं, उनसे किसी में से एक से बात करनी है. जा और एनी अदर एल्डर, जा आपके घर में कोई और बड़ा है, आपकी बुआ है, ताया जी हैं, जो भी अंकल, उनसे बात कर सकते हो. और फाइंड आउट करो कि वैन शी, अगर दादी है तो शी, अगर दादू है तो ही, वॉज 8-9 ईयर, जब वो 8 या 9 साल के थे, वेयर डिड शी और ही लिव, तो वो कहाँ रहते थे. नेम डैट प्लेस तो आप लिख सकते हो, अगर दादी है तो शी लिखोगे, अगर दादू है तो ही लिखोगे. ही लिव्ड इन ए विलेज, आप विलेज का नाम भी लिख सकते हो. नियर बाय चंडीगढ़, नियर बाय जो भी आप प्लेस का नाम लिख सकते हो. फ्रॉम वट मटीरियल वॉज हर और हिज हाउस, अगर आप अपनी दादी की बात करें तो ही हर लगाओगे, अगर दादू की बात करें या अंकल की तो हीज लगाओगे. तो हीज हाउस बाज, उनका हाउस कैसा बना हुआ था जब पुराने टाइम में, किससे बना होगा? बैम्बू स्टिक से, वुड से, स्ट्रॉ से और मड से. तो आप लिख सकते हो कि इन चीज़ों से बना हुआ था. आगे देखो, डिड दे हैव ए टॉयलेट इन दियर हाउस, क्या उस टाइम उनके घर में टॉयलेट भी था? इफ नो, अगर नहीं था तो वेयर वॉज इट, कि वो कहाँ जाते थे. तो अब हम लिखेंगे कि तब भी क्या होते थे, टॉयलेट तो होते थे. यस दे हैड टॉयलेट इन देयर हाउस, कि आपके जब दादा दादी 9 साल के थे तब भी उनके घर में क्या था, टॉयलेट था. पर ये क्या बना होता था, एक सेपरेट रूम होता था, जैसे आजकल कंबाइन कमरों के अंदर ही होता है ना, वॉशरूम और टॉयलेट रूम इकट्ठा होता है. ये सेपरेट सेपरेट और अलग से कमरों के बाहर बरामदे में बने होते थे. इन विच पार्ट ऑफ द हाउस वॉज फूड कुक्ड, अब बताना है कि हाउस के कौन से पार्ट में, कौन से भाग में खाना बनाया जाता. अब खाना तो कहाँ बनाते हैं, किचन में. अब आगे आप देखोगे, पहले ओल्ड टाइम्स में किचन क्या होती थी, नीचे होती थी, स्टैंडिंग नहीं होती थी, नीचे बैठ के ही खाना बनाते थे. द फूड वॉज कुक्ड इन द कोर्टयार्ड, अब आंगन में होती थी, विच वॉज सेपरेट बाय ए वॉल, और एक दीवार के साथ, जैसे लोगों के कच्चे घर होते थे, हल्की सी छोटी सी दीवार करी होती थी सेपरेट, और नीचे बैठकर बनाते थे. ए लॉट ऑफ मड वॉज यूज, एक काफ़ी मात्रा में मड को यूज़ किया जाता है. वेन चेतन दास हाउस वॉज मेड, कि जब चेतन का दास का घर बना तो काफ़ी मड को यूज़ किया गया. वाई, क्यों यूज़ किया गया? अब मिट्टी के घर हमें किससे बचाते हैं, गर्मी से बचाते हैं, क्योंकि वो गर्मी में मिट्टी वाले घर क्या होंगे, ठंडे होंगे. तो दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट एंड कोल्ड, और सर्दियों में गर्म. ठीक है, आगे टॉपिक है ए चेंजिंग हाउस. अब उन्होंने क्या किया, पहले कच्चा हाउस बनाया था, जैसे अनबेक्ड ब्रिक जो भट्टों में आजकल गर्म करके बनाते हैं, उनको सांचे में डाल देते हैं, फिर पककर तैयार होती है ईंटें. अब उन्होंने मिट्टी से बनाया था, अब वो क्या कर रहे हैं, एक घर को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, उसमें बदलाव ला रहे हैं. टाइम पास्ड क्विकली, टाइम बहुत तेज़ी से बीता. आई फिनिश्ड माई स्टडी, मैंने अपनी स्टडी को ख़त्म किया, चेतन दास बता रहा है, एंड गोट ए जॉब, और मैंने एक अच्छी जॉब ले ली. तो अम्मा और बाबा, यानी कि मेरे मम्मी पापा, वॉन्टेड मी टू गेट मैरिड, मेरी मैरिज करना चाहते थे. आई थॉट, मैंने सोचा, डैड बिफोर, इससे पहले आई गोट मैरिड, कि मैरिज से पहले वी शुड रिपेयर आवर हाउस, कि मैं अपने घर को रिपेयर करवा लूँ, मरम्मत करवा लूँ, एंड बिल्ड वन मोर रूम, और उसी घर में एक और रूम बना लूँ. इन दोज डे, उन दिनों में,
पीपल इन सिटीज, जो सिटीज़ में रहते थे, इनका घर तो विलेज ही में था, वो क्या यूज़ करते थे, मड की जगह सीमेंट यूज़ करते थे जब पक्का हाउस बनता था। दे सेड दैट दिस मेड ऑफ हाउस स्ट्रोंगर, इससे क्या हो जाता था, हाउस काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाता था। वी ऑल्सो थॉट, हमने भी सोचा, वी वुड यूज़, कि हम भी सीमेंट का यूज़ करेंगे अब मिट्टी की जगह। एंड वी यूज आयरन एंड सीमेंट ऑफ मेकिंग द रूफ ऑफ द न्यू रूम, और जब नया रूम बनाएंगे उसकी रूफ को भी छत को भी क्या करेंगे, लेंटर डालकर, जैसे आजकल डलता है लोहे और सीमेंट का मटीरियल बनाकर, कि पहले सरिया डालकर नए रूम का निर्माण करेंगे। इन दोज डे, इन दिनों में, अनबेक्ड ब्रिक, पहले तो उन दिनों में बेक ब्रिक नहीं होती थी, कच्ची मिट्टी की ईंटें होती थी, जैसे दे देखो इन पे वो भी नहीं होता था, प्लस्तर वगैरह नहीं होता था, देखो ईंटों से ही घर बना हुआ है। तो कहता पहले मैं नया रूम बनाऊंगा और उसको जैसे सिटीज़ में घर होता है पक्का बनाऊंगा। वी मेड द वर आल्सो अवेलेबल इन द मार्केट, अब क्या था, अनबेक्ड ब्रिक्स तब क्या थी, अवेलेबल थी, उपलब्ध थी मार्केट में। वी मेड द वॉल्स विद देम, तो हमने उनके साथ बनाया। अब क्या है, द यूज़ ऑफ ब्रिक्स वाज यूजफुल, अब जो ईंटों का यूज़ होता है वो बहुत यूज़फुल है। वी डिड नॉट नीड टू कोट द वॉल एवरी वीक, हमें हर रोज़ वॉल को कोट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो कच्ची मिट्टी से बनती थी। अब क्या हो जाता है, वाइट वॉश हो जाता है दीवारों पर, जो कई कई साल तक चल जाता है, वंस ए ईयर, साल में एक बार कराओ वो काफ़ी देर चल जाता है। वी ऑल्सो बिल्ट ए स्मॉल किचन इन द कोर्टयार्ड, और एक आंगन में मैं छोटी सी किचन भी बनवाऊँगा, हमने बनवाई। द किचन हैड ए मड चूल्हा, और मिट्टी का चूल्हा बनवाया। एंड प्लेस टू कीप द वेसल्स, और उन पर हम अपने वेसल्स, बर्तन रखते थे। पहले के लोग क्या थे, मिट्टी का ही चूल्हा होता था, उसको मिट्टी से बनाते थे, फिर थोड़ी देर सूखने के लिए रख देते थे, फिर क्या करते थे, मिट्टी के ही बर्तनों में खाना बनता था। आजकल तो स्टील, सिल्वर सब कुछ चल पड़ा। देन आई गॉट मैरिड, तब मैंने मैरिज की, माई वाइफ सुमन, मेरी जो पत्नी सुमन थी, केम टू आर न्यू हाउस, मेरे नए घर में आई टू कुक, खाना बनाती। सुमन यूज़ टू सिट ऑन द फ्लोर इन द किचन, जैसे कि आपको इस पिक में दिखा रखा है, ये किचन दिखा रखी है और चूल्हा मड का ही बना हुआ है। ये देखो किचन में बैठकर कैसे इन द फ्लोर, ऑन द फ्लोर, फर्श पर, इन द किचन, रसोई में फर्श पर बैठकर ही खाना खाते हैं। वी ऑल यूज़ टू सिट ऑन द मैट्स, हम मैट का भी यूज़ करते हैं, जैसे ये देखो बिछा रखा है मैट। एंड इन द किचन, इन द किचन में, रसोई में मैट बिछा कर हम खाना खाते हैं, ईट टुगेदर, इकट्ठा खाते हैं। इट वॉज ए हैप्पी टाइम, ये बहुत अच्छा टाइम होता है। People used to go out to the field for their toilet in those days. तब लोग क्या करते थे पहले टाइम में, जैसे इससे पहले टाइम में टॉयलेट्स नहीं होते थे, लोग क्या करते थे इन दिनों में, खेतों में जाते थे और साथ में पानी लेकर जाते थे। Some of the houses had a separate place for this. परंतु अब कुछ घरों में क्या हो गया, इसके लिए सेपरेट रूम बनाया जाता है। वी ऑल्सो मेड ए स्मॉल टॉयलेट, कई बार क्या होता है छोटी सी टॉयलेट बना लेते हैं, विद अनबेक्ड ब्रिक्स, जो कच्ची पक्की ब्रिक्स होती हैं बिहाइंड द हाउस, हाउस के पीछे, यानी कि इसके लिए घर के अंदर नहीं होता था, सेपरेट कोर्टयार्ड में, आंगन में, साइड सी में बनाया जाता था। चेतन दास टेल्स दैट पीपल, चेतन दास ने लोगों को बताया, फ्रॉम द बस्ती, बस्ती से लोग क्या करते थे, यूज टू कम टू क्लीन द टॉयलेट, उन टॉयलेट को साफ करने के लिए आते थे। एंड टेक अवे द वेस्ट, और वेस्ट इसको ले जाते थे। दे वर नॉट अलाउड, पर उन लोगों को जो बस्ती से ये काम करते थे उनको घरों में एंट्री नहीं मिलती थी, उनको घर के अंदर नहीं जाने दिया जाता, यानी कि जो कहते हैं ना, हम आजकल भी कहते हैं वो स्वीपर कहने लग गए, पहले कुछ और वर्ड्स बोलते थे, तो उनको घरों के अंदर नहीं जाने दिया जाता था। द पीपल हु यूज्ड अ टॉयलेट, वो लोग जो टॉयलेट्स को यूज़ करते हैं, डिड नॉट क्लीन देम, कि वो उनसे नहीं क्लीन करते, कहते डिस्कस करो कि क्यों नहीं करते, तो वो टॉयलेट को किससे क्लीन करते थे, एक तो ये डर्टी जॉब होती है, आजकल के लोग क्या करते हैं अपनी टॉयलेट को साफ नहीं करते, सभी घरों में सब सेपरेट होते हैं, तो घर के मेंबर ही करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं वो लोग जो पहले तो स्पेशल लोग होते थे जो बस्ती से टॉयलेट को साफ करने के लिए आते थे, पर आजकल के क्या सोचते हैं, बिकॉज दे थॉट डैट इट वॉज ए डर्टी जॉब, कि ये गंदी जॉब है टॉयलेट ही दूसरे की टॉयलेट को साफ करना। अब जैसे आपके घरों में कूड़ा करकट लेने के लिए भी आते हैं, उनको भी हम कह देते हैं ना, तो वो इस तरह का गार्बेज तो ले जाते हैं पर ये साफ नहीं करते। इज देयर ए टॉयलेट इन योर हाउस, क्या आपके घर में है, तो यस, और कौन क्लीन कर सकता है, माई मदर, जो आपकी मेड सर्वेंट क्लीन करते, तो आप इस तरह से लिख सकते हो। मोर चेंजेस, और क्या चेंजेस आए, अब देखो उन्होंने वो हाउस भी छोड़ दिया, आगे पिक में देखो
एक नया हाउस बना लिया जो कि पक्का हाउस बनाया उन्होंने सीमेंट ब्रिज सीमेंट की तरह। माई टू सन्स एंड ए डॉटर, मेरे दो बेटे और एक डॉटर वर बॉर्न इन डैट हाउस, इस घर में पैदा हुए। टाइम पास, समय बीतता गया। द चिल्ड्रन कम्प्लीट दियर स्टडी, बच्चों ने स्टडी को कम्प्लीट किया। 15 years ago, 15 साल पहले, आर डॉटर सिमी गॉट मैरिड, मेरी बेटी सिमी की मैरिज हो गई एंड मूव टू पलवल, और वो कहाँ चली गई, पलवल प्लेस है। व्हेन राजू वाज टू गेट मैरिड, जब मैंने अपनी बेटे की मैरिज करनी चाहिए, उसको महसूस हुआ, जैसे कि मैंने महसूस किया था ना कि एक सेपरेट रूम, तो मेरे बेटे को भी महसूस हुआ कि एक अच्छा घर बनाना चाहिए, रेडी फॉर द न्यू ब्राइड, की नई दुल्हन के लिए अच्छा घर बनाया जाए। वाई देन, इसके कारण क्या हुआ, एवरी वन वॉज यूजिंग बेक्ड ब्रिक्स, अब हमने क्या कर दी, अब नई ईंटें जो सिटीज़ में यूज़ होती थी, भट्टों में बनती हैं, उसको गर्म करके, वो वाली पहले अनबेक्ड ब्रिक्स लगती थी कच्ची, वी ऑल्सो यूज देम फॉर द वॉल्स एंड, और हमने दीवार के लिए भी पक्की ईंटें ली एंड पुट ए लिंटन फॉर द रूफ, और छतों के लिए भी जो पतली पतली टाइलें होती हैं पक्की बेक्ड टाइल्स वो यूज़ की। वी यूज मार्बल, और क्या लगाया, मार्बल चिप्स एंड सीमेंट, और सीमेंट एंड फॉर ए स्ट्रॉन्ग एंड फैंसी फ्लोर, सीमेंट और जो मार्बल्स होते हैं ना ये पत्थर वाला फर्श, वो लगाया जिसे स्ट्रॉन्ग हो और फैंसी लगाया फर्श। इन द टॉयलेट वी गेट पाइप्स, और हमने टॉयलेट में भी पाइप्स लगाई टू टेक अवे, यानी कि जो आजकल के टाइम में यूज़ होता है टैप्स वगैरह और वेस्टेज के लिए। द किचन वॉज मेड बिगर, और किचन भी क्या बनाई हमने, काफ़ी बड़ी बनाई क्योंकि अब हम नया घर बना रहे थे। नाउ राजूज वाइफ डज नॉट यूज़ द क्ले चूल्हा, और राजू की वाइफ, अब टाइम के अनुसार क्या होता है, ये चूल्हा भी चेंज हुआ, अब जो गैसे चूल्हे आने लगे कि वो मिट्टी का चूल्हा नहीं यूज़ करेगी। शी स्टैंड बिहाइंड कुकिंग ऑन द गैस स्टोव, और कहाँ स्टैंड होकर, पहले नीचे बैठकर खाना बनाते थे, अब वो क्या करते हैं आजकल, आपने भी देखा होगा, स्टैंडिंग खाना पकाते हैं आपके मम्मा भी। तो राजू की वाइफ, तो राजू कहने लग गया कि ना ही मेरी वाइफ सीटिंग में काम करेगी। सो बच्चों, ये चैप्टर अभी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, आज की वीडियो में इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो बच्चों, गुड बाय, टेक केयर।